भारतीय क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड के सभी मेंबर ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक के परफॉर्मेंस को देखते रहे, लेकिन किसी ने एक बार भी केएल राहुल और रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा उन्हें आज सेमीफाइनल में मैच हार के चुकाना पड़ा। इस वर्ल्ड कप की शुरुआत से ही केएल राहुल और रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाए। सेमीफाइनल में उनसे काफ़ी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन वे उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। पारी को आकर विराट कोहली ने संभाला और 40 गेंदों में 50 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। सूर्य कुमार भी इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए। अंत में हार्दिक पांड्या ने 33 बॉलों पर 63 रन लगाकर भारत के स्कोर को 168 रन पर पहुंचाया, जो कि इंग्लैंड के ओपनर्स के लिए एक बहुत छोटा स्कोर साबित हुआ। भारत के गेंदबाज इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने बेबस दिखाई दिए। पूरी पारी में वो एक भी विकेट नहीं चटका पाए। इसी के साथ भारत मैच हार गया और फाइनल में पहुंचा इंग्लैंड और पाकिस्तान। भारत का वर्ल्ड कप का सफ़र यहीं पे समाप्त हुआ। भारतीय सिलेक्शन बोर्ड को इससे सीख लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी राय में आज की हार का असली कारण क्या रहा, कमेंट करके जरूर बताइए। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं।